इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्र में घना कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक भीषण सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, मेरठ समेत पश्चिमी बेल्ट के कई जिलों में ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी के सितम को देखते हुए यूपी के कई जिलों में 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रचंड ठंड से कांप रहा है आधा भारत। बर्फ ढके पहाड़, जम गया झरना। उत्तर भारत में सर्दी का डबल अटैक। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के साथ साथ शीतलहर अपने प्रचंड रूप में है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और हर दिन ये नए रिकॉर्ड बना रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। MIG के मुताबिक उत्तर पश्चिम के तमाम राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में घने कोहरे का कहर बरकरार रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गिरते पारे के साथ समूचा उत्तर भारत कड़ाके की प्रचंड ठंड की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। नए साल के पहले दिन से देश के पूरे मैदानी इलाके में कड़ाके की सर्दी है। वहीं पहाड़ों पर कई जगहों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली इस वक्त घने कोहरे की चादर से ढकी हुई है। दिल्ली में पारा 3 डिग्री के नीचे चला गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पड़ा है। कई घंटों की देरी से चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को विजिबिलिटी कम होने की वजह से आधे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। जब यहाँ पर उतरी है, इतना कोहरा था तो आधा घंटा तो यहीं लग गया उसको, फ्लाइट को, कि डर सा लगने लग गया, इतनी ठंड है। दुबई में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठंड जिसको दिल्ली की सर्दी के लिए फेमस है, तो दिल्ली की सर्दी ही पड़ रही है अभी। दुबई में टेम्परेचर जो है वो करीब 22-23 डिग्री है, और यहाँ पे अभी विमान में बताया गया 4 डिग्री टेम्परेचर है, तो 18 डिग्री कम है। तो मैं 1 हफ्ते पहले ही गया था, ठंड से गया था और ठंड में वापस आया हूँ। बहुत ज्यादा है वहाँ, बहुत सुहावना प्लेजेंट मौसम था, और यहाँ पर आए हैं हम लोग तो बहुत ठंड है। मैं कैप भूल गई थी बैग के अंदर, वो चेक इन में चला गया मेरा लगेज में, तो मैंने कार्डिगन से कवर अप किया हुआ है, तो बहुत ठंड है यहाँ पर। वहीं यूपी में भी कड़ाके की ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कामकाज करने वालों को भी ठंड के कारण दिक्कतें हो रही हैं। वाराणसी, नोएडा, कानपुर समेत पूरा यूपी इस वक्त ठंड का प्रचंड प्रकोप झेल रहा है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने भी सर्दी को लेकर अलर्ट जारी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। किया है उत्तरी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
गलन भरी शीत लहर के बीच धुंध और कोहरे ने भी लोगों को मुश्किलों में डाल रखा है। कोहरे के कारण आज भी कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। कोहरे की मार सबसे ज्यादा यातायात पर ही पड़ रही है, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भीषण सर्दी को देखते हुए यूपी के ज्यादातर जिलों में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। लखनऊ, नोएडा, बुलंदशहर, हरदोई क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ में क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वहीं परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अधिक कोहरा पड़ने पर रोडवेज बसों को ना संचालित किया जाए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने दिल के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का एक अनुमान है कि 10 जनवरी से कोहरा घना नहीं होगा, लेकिन तापमान में सुधार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।